आज जो पहली सुबह अमृतसर में है, तो आज पहला नाश्ता हमारा अमृतसर में होगा, वो होगा पहलवान के कुलचे। लक्ष्मण रोड कहलाता है, बाबा धीर सिंह गुरुद्वारे के पास में है, इंटीरियर है अमृतसर का, और मेरे सामने है पहलवान कुलचा। बहुत मशहूर है, बड़ी सादी सी दुकान है, जैसे सादे से यहाँ लोग हैं वैसी सादी सी ये दुकान है। कल रात को हमने जो एक डिनर किया था केसरदा ढाबा में, वो भी बड़ी सिंपल सी जगह थी लेकिन जायके थे। आज उससे और ज़्यादा थोड़ा सा रॉ हम आए हैं, इंटीरियर में हैं, बड़े मज़े का मौसम है, बड़े मज़े का माहौल है, बड़े मज़े के जायके होंगे, साथ रहिएगा। तो ये है जी वो मशहूर पहलवान दे कुलचे की दुकान। यहाँ पर एक सादा तबीयत से इंसान खड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी सी डिटेल भी लेंगे और ज़ाहिर है बनते हुए तो हम देखेंगे ही और फिर उसके बाद उसको खाएंगे भी। तो आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, तो सुबह अभी, हालांकि ये हमारी आज सुबह थोड़ी सी लेट हुई है, 12:15 बज रहे हैं, कल की थकान थी यार तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया है, लेकिन अभी हमारा नाश्ता ही हो रहा है, 12:15 बज रहे हैं, पहलवान कुलचा पर आ चुके हैं। पहलवान नाम क्यों है, पहलवान जी कौन हैं या कौन थे, अभी कौन खड़ा हुआ है, सारी बातें करते हैं। सर हरी जी मेरे साथ खड़े हैं। हरी जी पूरा नाम क्या है? हरीश कुमार साहब खड़े हैं। पहलवान तो आप लग नहीं रहे मुझे, तो पहलवान कौन है? मेरे फादर साहब थे। फादर थे आपके? सर शुरू से ही पंजाब से ही आप लोग? नहीं, सियालकोट से। अच्छा, ये जो दुकान है ना, ये पार्टीशन से भी, चलो ये तो पार्टीशन के बाद है, 1953 से है, लेकिन इस बाजार में हमको 100 साल के हो चुका है, पार्टीशन से पहले हम बाजार। तो ये जो कुलचा है, ये वो चूर चूर नान है या ये वो अमृतसरी कुलचा है या ये एक ही चीज़ होती है सब? एक ही होती है। एक ही होती। तो सर कब से शुरू करते हैं? सुबह 8 बजे शुरू करते हैं सर। और कब तक चलता है? 1:30-2 बजे तक चलता है। लंच तक चलता है? लंच तक। उसके बाद? उसके अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सब कुछ इंतहाई ताज़ा होगा ये मुझे यकीन है। हरी जी से 2 मिनट बात कर ली, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिजी आदमी है। नहीं ऐसी बात है, फिर भी जितना जी बस मुझे इतनी ही आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि असल में क्या है कि जब बातचीत होती है ना तो खाने के जायके के अंदर उतरने में आसानी रहती है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही है सर। तो आपको आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है, पोलाइटली है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताएं सर प्राइस क्या रहता है? 70 रुपीज़ होता है फ्लैट। कोई सा भी ले लो आप? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई ऑलिव ऑयल का 10-20 ऊपर नीचे चल जाए, ऑलिव ऑयल का लेगा, कोई पनीर वाला लेगा तो उसके या मिक्स वेज वाला उसका प्राइस अलग होगा। अभी हमें आप कौन सा खिलवाएंगे जो सबसे ज़्यादा बिकता हो? पनीर वाला। एक पनीर वाला। अच्छा, और एक ये जो नॉर्मल चल रहा है ये दोनों लगवा दीजिए, हम थोड़ा इसको बनते हुए भी देखेंगे और आप फोन लीजिए। थैंक यू सो मच। पहलवान कुलचा शॉप के तंदूर ने कहा, देखिए मेरे धुएं ने इस दुकान को क्या खूब हुस्न बख्शा है। मुझे लगा दुकान वाकई पुरानी है, मगर फौरन ही वहाँ लगे CCTV कैमरा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और बोला, ज़रा ठहरिए, दुकान पुरानी ज़रूर है मगर सोच नहीं है। अपनी पुरानी रिवायात को नए दौर का जामा पहनाकर बरकरार रखने ही से कौम जिंदा रहती है। यहाँ पहलवान कुलचा शॉप पर मुझे जो वाइब्स मिली वो मैंने अभी तक कभी भी कहीं भी महसूस नहीं की थी। लगता था कि मैं आज़ादी से पहले के वक्त में हूँ, ये पुराना हिंदुस्तान लगता था, अच्छा लगता था। बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको। गुरबानी की हल्की हल्की सी जो आवाज़ आ रही है ना, वो इस पराठे में एक टेस्ट की डायमेंशन ऐड कर रही है। और आप यकीन कीजिएगा, जब आप यहाँ पर आकर इसी पुराने से माहौल में इसी गुरबानी की आवाज़ को सुनते हुए ये सादा से अमृतसरी नान जब आप खाएंगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं जितना पहुँचा सकता हूँ पहुँचा रहा हूँ, बाकी असल तो आपको आके ही मिलेगा। अभी फ़िलहाल एक और मेकिंग हमारी चल रही है, उसको देखें।
स्पाइसी पनीर वाला है या सादा है? सादा है। और ये इसके साथ सब्जी आ गई। अच्छा, ये छोले साथ में देते हो? पनीर वाला स्पाइसी। ओके, दो वैरायटीज मैंने मंगाई हैं। एक पनीर का है स्पाइसी, एक नॉर्मल है स्पाइसी और एक नॉर्मल है जो रेगुलर चलता है। पहलवान कुलचा पर हूँ, पहला नाश्ता है अमृतसर का, और माहौल ये है कि गुरबानी की हल्की हल्की आवाज़, सादे से पराठे, पुरानी दुकान, ऊपर मैंने आपको हालत दिखाई। इन्होंने जानबूझकर इसका हालत नहीं बदली है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो रेनोवेशन इन्होंने नहीं करी है, वो इनकी पसंद है कि इसको ऐसे ही छोड़ना है, लेकिन सफाई का ख्याल पूरा रखते हैं। आगे अब खाकर देखते हैं, माहौल सारा जी लिया, अब खाने में क्या क्या हालात हैं वो यहाँ पता चलेगा। भरपूर किस्म की सब्जियों के साथ इन्होंने ये बनाया है, करारा पूरा है। दिल्ली में हमने कभी चूर चूर नान खाया था, उसी समझ लीजिए कि नस्ल का है, लेकिन ये दरअसल अपनी असल सरजमीन पर खा रहे हैं, ये यहीं की आइटम है। यहाँ खाने में इसको जो मज़ा आएगा दिल्ली में या कहीं और नहीं आ सकता, बगैर किसी। ये बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी रंग बिरंगी सी चटनी है, इसको ये चटनी बोल रहे हैं, थोड़ी सी मुझे सलाद लग रही है, आई डोंट नो। ये सब चीज़ें बाद में, पहले इसका असल जायका देखेंगे, उसके बाद देखते हैं इनके साथ क्या इन्हेंसमेंट होती है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जायका में सौंधापन है, अब वो पता नहीं माहौल का है या सब्जियों का है, लेकिन सौंधापन है, बहुत खूबसूरत सा सौंधापन, सादगी। कहीं कहीं अचानक से मुँह में जब धनिए का एक दाना आता है तो एक अलग किस्म की एक नज़म सुनाता है। ओवरऑल एक सादगी और खूबसूरती और ज़मीन से लगा हुआ जायका, मुझे अच्छा लगा। अभी पनीर का और चेक करते हैं, ये क्या कहता है। ऑब्वियसली इसमें स्टफिंग ही चेंज है, बाकी जायके मेरे ख्याल में सेम होंगे, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खस्ता है। क्रिस्पीनेस की कोई मिसाल हो तो वो ये वाला नान है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। ये आया स्पाइसी, पनीर में मैंने उनको स्पाइसी बोला था, सिर्फ स्पाइसेस नहीं है और जायका भी अलग है, कुछ अलग खुशबू हैं इसमें, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब इसको जो इसकी जोड़ी है, यानी इसका जो साथी है ये चना, इसके साथ एक बार देखते हैं कितनी अनाउंसमेंट होती है। अच्छा, मैंने ना कल भी ये बात ख़ास देखी यहाँ पर कि जो चने जो हैं वो बिल्कुल मलाई की तरह गलाए हुए होते हैं, कच्चे नहीं होते, ज़रा से भी सख्त नहीं होते, ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। बहुत ही अलग सी कुछ सब्जियाँ हैं इसमें, पता नहीं, एक तो शायद हरी मिर्च तो नज़र आ रही है, भैया बताएंगे। भाई साहब यहाँ आना सर, पहले भाई की बात। हाँ जी सर, इसमें सर चटनी है, प्याज है और हरा प्याज और पुदीना। अच्छा, हरी प्याज है इसमें, हरी प्याज और पुदीना, बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है यार। हरी प्याज, नॉर्मल प्याज, हरी मिर्चें और कुछ इनकी इसमें चटनी भी पड़ी हुई है, ये एक कोई इनकी चटनी भी है इसमें, लेकिन ओवरऑल बड़ा कुछ अलग डायमेंशन इसमें ऐड कर रही है ये नॉर्मल वाला, लेकिन स्पाइसी। एक बार चक्कर देख लेते हैं, उसके बाद कैमरा बंद करके इसको निपटाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। सत्तर अस्सी सौ इसके आसपास इसकी कीमत घूमती रहती है, जैसा आप लेते हैं। कई लोग इसको ऑलिव ऑयल में भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो जाता है, एवरेज जो है वो 70-80 रुपए के अंदर है, उसमें ये साथ में आता है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, अब हम इसको खा लें, उसके बाद बात। बड़ी प्रेजेंटेशन में यूनिक सी बात यह है कि ना प्लेट है, ना डिस्पोजेबल बर्तन है, ये दो कागज़ हैं और डायरेक्ट आपकी टेबल पर सर्व हो जाता है, ये सबसे यूनिक चीज़ लगी। बाकी ये पत्ते के अंदर, धोने के अंदर ये छोले आएंगे आपके पास, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत सी प्लेट लगी मुझे, बड़ी कहना चाहिए कि ऑर्गेनिक सी है, बड़ी नेचुरल सी है। ओवरऑल हर स्टेप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ये सब चीज़ें जाके आखिर में जायका बनती हैं। पहलवान कुलचा शॉप से कुलचे खाने के बाद हमने गली से बाहर निकल के रक्षा पकड़ा और गोल्डन टेंपल के पास उतर गए। गोल्डन टेंपल आने के बाद वॉक करते हुए हम पहुंचे
क्या नहीं दी लस्सी पे। मैं चंद साल पहले जब अमृतसर आया था उस टाइम मैंने पहली बार ज्ञानी जी की ये लस्सी ट्राई की थी। मैं इस लस्सी की मिठास नहीं भूल सकता। आज इनसे बात भी करूँगा और आपसे मुलाकात भी करवाऊँगा। आइए चलते हैं, ज्ञानी की लस्सी पर बैठे सरदार जी से बात करते हैं। पहलवान के हैवी हैवी से जो हमने कुलचे खाए थे, वो कुलचे खाने के बाद अब हम सीधे आ गए ज्ञानी दी लस्सी पर। ज्ञानी दी लस्सी की दो दुकानें, एक ज्ञान दी लस्सी, एक ज्ञानी दी लस्सी। मुझे ज्ञानी दी लस्सी पसंद है, मैंने हमेशा इन्हीं से पी है। कॉर्नर वाली छोटी दुकान है, मैं इन्हीं से पीऊँगा और इन्हीं की आपको दिखा दूँगा। तो साहब बैठे हुए हैं, उनसे मैं परमिशन ले चुका हूँ कि मैं कैमरा खोल सकता हूँ। मैं ये आपका पहले तो नाम? मेरा नाम गुरिंदर सिंह है जी। वीडियोस बहुत हैं आपकी, अब हमारी भी एक उसमें ऐड हो जाएगी। लस्सी पहले भी मैंने बहुत पी है, 4 साल पहले भी आया, 3 साल पहले भी आया, आपकी लस्सी पी के गया। कैमरा आज खुल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो सिंह साहब कितनी पुरानी दुकान है? 1927। बस 100 साल अब पूरे हुए आपको? होने वाले जी। क्या बात है, 27 तक तो सही है। तो सेंचुरी पे क्या करने वाले हो आप? जो आप करो कर लेंगे, पार्टी होनी चाहिए जबरदस्त, बंगड़ा डाल लेंगे। ये बात तो चलिए, तो एक तो लस्सी तो पीनी पीनी है, और क्या क्या? ये रबड़ी भी है? रबड़ी भी है, और ये रबड़ी है, पैकिंग रबड़ी है, लस्सी है, ये क्या है? ये फिरनी है। फिरनी है, तो सबसे पहले तो हमें लस्सी पिलवा दीजिए बगैर पेड़े की, एकदम सादी सूदी सी लस्सी चाहिए। सादी पेड़े वाली नहीं, एकदम बस लस्सी लस्सी चाहिए। फुग्गा, तिल फुग्गा है। अच्छा, ये तिल का है? हाँ जी हाँ जी, तिल मावा ड्राई फ्रूट सब मिक्स होता है। अरे वाह, ये वो चीज है जो आप बना हर जगह सकते हैं, लेकिन रूह उसकी पंजाब में ही मिलेगी आपको। ये तिल का नहीं नहीं क्या बोलते इसको, तिल बुगा, बुगा तिल बुगा, तिल बुगा। दही को जब इस लस्सी बिलोने वाली बिजली की मशीन में डाला जा रहा था, तो बगैर चखे बिना हाथ लगाए ये विटनेस किया जा सकता था कि दही कितना क्रीमी है। मैंने इतनी ग्लैमरस लस्सी कभी नहीं देखी। आजकल तो शहरों में 100-150 गिलास बनाकर फ्रिज में रख लेते हैं, और दही की खटास को दबाने के लिए उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स मिला देते हैं, जैसे रोज़, केवड़ा वगैरह। लेकिन यहाँ इस लस्सी में सिर्फ 3 चीज़ें शामिल हैं। पंजाब का खालिस दूध, उस खालिस दूध से बनाया हुआ बेहतरीन मासूम क्रीमी सा दही, और थोड़ी सी शक्कर। लीजिए, बन गई पंजाब की लस्सी। जिसको देखकर ही ताजगी का एहसास हो जाए, वही तो लस्सी है। मुझे इस दुकान की लस्सी, रबड़ी, मक्खन सब कुछ बहुत पसंद है। मक्खन घर के लिए पैक करवा कर लाना था, मगर वापस आते हुए मैं बिल्कुल भूल गया। खैर, आइंदा सही। आप लस्सी पीजिए। इन्होंने इसको इतनी बार घुमाया है, पहले गिलास में निकालते हैं फिर वापस ऊपर डाल देते हैं, कि वो लस्सी कम और मक्खन ज़्यादा होगा। यहाँ पे हालांकि डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के इन्हीं का स्टील का ग्लास लिया है, क्योंकि पूरी लस्सी जो है वो पूरे इनके डिफ़ॉल्ट वाले अंदाज से ही पीनी थी मुझे। पीकर देखते हैं। नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। ये भी अगर दिल्ली में जाके बनाएंगे तब भी नहीं दे सकते आपको, यहीं बैठ के इस पंजाब के 5 पानियों का सारा टेस्ट हर खाने में नज़र आएगा। आबो हवा का बहुत असर पड़ता है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है। तो पंजाब के जो 5 पानी है ना, उन 5ों पानियों का जो जायका है, तो मिल के आपको हर चीज़ में नज़र आता है। लस्सी बहुत क्रीमी है, अंदर आ जाओ, ज़रा सी भी खट्टी नहीं है। मैंने इसमें ना खोया डलवाया, ना पेड़ा डलवाया, ना मलाई डलवाई, प्योर लस्सी है। और क्या लस्सी है, इसको खा के, इसको पीने के बाद सो जाइएगा, सो जाएंगे। सिंह साहब
कमाल लस्सी है आपकी। थैंक यू। जैसे चार साल पहले मैं आया था बिल्कुल यही टेस्ट, बहुत मजेदार लस्सी है ये। 1927 से भी तो खट्टी नहीं है। 1927 से यही टेस्ट, यही टेस्ट चला रहा है। बहुत हमारा फोर्थ जनरेशन आ गया इसी। आप फोर्थ हैं? नहीं, हम थर्ड हैं। आप थर्ड हैं, आपके बच्चे भी आ गए। क्या बात है सर, इसको चालू रखिए, ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा बड़ा खूबसूरत सिलसिला है सर। वो इंजीनियरिंग करके आ गया जी, स्टडी किया उसने इंजीनियरिंग की। कहीं और भी खोली है दुकान? नहीं नहीं, कोई ब्रांच नहीं, ब्रांच कोई नहीं। ऐसा दूध नहीं मिलेगा हमको। वाकई में इसमें दूध का भी कमाल है, दही का भी कमाल है, और सबसे ज़्यादा आपकी नीयत का कमाल है। थैंक यू। कितने का ग्लास है सर? 50 रुपये का। इसमें 3-4 वैराइटीज है, एक पेड़े वाली वो 90 की है, और जो चॉकलेट मैंगो स्ट्रॉबेरी। अच्छा, वो फ्लेवर्स भी देते हो आप? वो 60 रुपये की है। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। और आपकी जो रबड़ी है क्या भाव है? ये रबड़ी 50 रुपये की, 100 ग्राम। थोड़ा टेस्ट आऊँगा आपको मैं। हाँ बिल्कुल लेंगे। पहले ज़बरदस्त लस्सी है। थैंक यू। कितना इसको बताया जा सकता है, इतना सटीक मीठा, लस्सी भी खट्टी नहीं। सुबह वो पहलवान जी के नान खाए थे, उसके बाद सोचा लस्सी पी लें, क्या कॉम्बिनेशन हो गया। और अब मुझे नहीं लगता काम हो पाएगा, क्योंकि लस्सी पीने के बाद सुकून पकड़ना चाहिए, लेकिन हमें काम करना है, हम काम करते रहेंगे, हम यहाँ से और जगह भी जाएंगे, साथ रहिए। लस्सी पी ली हमने, क्या लस्सी थी साहब? लस्सी की डेफिनेशन ही आपको यहाँ आने के बाद समझ में आएगी लस्सी होती क्या है। इन्होंने उसमें ना उस मशीन में दही का एक कुंडा डाला, ऊपर से दूध डाला है और मीठा डाला है, चौथी कोई चीज़ ही नहीं डाली, वहीं लस्सी कंप्लीट हो गई। हमने भी कुछ उसमें ऊपर से नहीं डलवाया, ना मलाई, ना खोया, ना पेड़ा, ना और कोई फ्लेवर। बहरहाल इन्होंने कहा ये इनकी रबड़ी है, ये चक्कर जाएगा। और मुझे भी ये देखने के बाद भी मैं इसको छोड़ नहीं पाता। बहरहाल सिंह साहब ने की ये लेकर जाइए। सब एक खास बात पता क्या, मीठा हावी नहीं हो रहा, मीठा लिमिट में, क्या बात है, क्या खा रहे हैं, तो मीठा ही है बस, क्या बात है, बहुत खूब। देखिए हर चीज़ में साइंस है, मीठा अगर एक लिमिट में होगा, उन्होंने बताया, तभी आपको ये पता लगेगा आप मीठा खा किस चीज़ में रहे, वरना तो बस मीठा ही मीठा है। लस्सी में भी एक कंट्रोल में मीठा था, इस रबड़ी में बड़ा कंट्रोल मीठा है, 500 रुपये किलो है, बहुत अच्छे। हाँ पंजाब लस्सी, लस्सी पंजाब सिनोनिम्स से लगते हैं। अमृतसर के अभी और बहुत खाने आपके साथ शेयर करने, साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहलवान के कुलचे, क्या 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 कहला है, कुलचे ही है ना, शीदा साहब के पास में है ना। निश्चिंत रहो, कहीं अटकेंगे तो हम सब काट देंगे। सर तुम स्टार्ट कर दो, तुम जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ शूट करते रहो। तो सर कब से शुरू करते हैं सुबह? बेटा ये तुम्हारे फ्रेम में तो नहीं आ रहे? ज्ञान ही थी। आ जाओ भाई साहब, बाबूजी आ जाओ, कोई बात नहीं। 1927 तो देखें, इधर 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 अंदर आओ, कुछ नहीं गिर रहा तुम्हारे सर पर, काम करो आराम, मैं देख लूँगा जो गिरेगा। रस्सी भी कट्टी नहीं है। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपके आने से हमारा और वीडियो अच्छा ही होगा, आप आ जाओ। ऐसे खूबसूरत चेहरे आने चाहिए ना वीडियो में।